हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यह न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी के एग्जाम हो या स्टेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस तरह के रेगुलर क्लासेस की प्रैक्टिस के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, यानी डेली आपको इस तरह की क्लास मिलती है, जिससे दो बेनिफिट है। एक तो आप जो है अपनी क्लास को रेगुलर कर सकते हैं, दूसरा ये है कि जो कुछ चीजें पीछे आप लर्न कर चुके हैं उनका साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता रहता है। क्योंकि इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, यानी यहीं तक महदूद नहीं रहते हैं कि सिर्फ सवाल के जवाब आपको याद हो जाए, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती हैं सभी आपके साथ में हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में कौन सी किताब अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है। पहले ऑप्शन में है यादगार हाली, दूसरे में हयात जावेद, तीसरे में यादगार गालिब और चौथे ऑप्शन में हयात सादी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी यादगार हाली। फिर आप मुझे यह बताएंगे यादगार हाली के मुसन्निफ कौन है। तो नाम नोट कर लीजिएगा, सालिहा आबिद हुसैन। यादगार हाली के मुसन्निफ कौन है? सालिहा आबिद हुसैन। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में अगर हम लोग बात करें कि आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, तो आप सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। अच्छा, 1914 में और किसका इंतकाल हुआ है? तो याद रखेंगे अल्लामा शिबली नुमानी, जिनकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1914 ईस्वी में। पैदाइश आजमगढ़ में हुई है और इंतकाल भी आजमगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हाली की गजलों में सेहतमंद अदबी शुऊर है, ये किसका ख्याल है? पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, दूसरे में अल्लामा शिबली हैं, तीसरे में आला मसरूर हैं और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी आला अहमद सुरूर। आला अहमद सुरूर बहुत अहम नाम है। सबसे पहले ये बताइए आला अहमद सुरूर की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, आपकी खुदनविश्त कौन सी है? तो पहली बात हम लोग नोट कर लेते हैं, 1911 ईस्वी में याद रखिएगा बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है सलसबील, इसे नोट कर लीजिएगा। आपकी खुदनविश का नाम क्या है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, वो है ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है आपकी खुदनविश ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, अहम क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में देखिए जो ऑप्शन है 11 है, दूसरे में 7 है, तीसरे ऑप्शन में 14 है और चौथे ऑप्शन में 4 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी 11। आप सबको मालूम होना चाहिए एक चादर मैली सी ये किसका नॉवल है, तो मालूम होना चाहिए राजन सिंह बेदी का ये शाहकार नॉवल है, जरूर आप याद रखेंगे। राजन सिंह बेदी का अगर हम बात करें पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो वो है दाना व दाम, इसे भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है। पहले ऑप्शन में अगर आप नाम देखिए तो मुईन हसन जज्बी हैं, दूसरे में हसरत मोहानी हैं, तीसरे ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी हैं और चौथे ऑप्शन में खलील रहमान आजमी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी खलील रहमान आजमी। खलील रहमान आजमी के बारे में हम लोग याद रखेंगे आपकी सने विलादत क्या है और इसी के साथ साथ में आपकी सने वफात क्या है, दोनों चीजें आप मुझे क्लियर करेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, 1927 ईस्वी में याद रखिएगा
1927 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1978 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, फसाने आजाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? फसाने आजाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है 5, दूसरे में है 6, तीसरे में है 4 और चौथे ऑप्शन में है 3। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 4। फसाने आजाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो जवाब हो जाएगा आपका 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। फसाने आजाद के इशात कब अमल में आई है, पहली चीज आप मुझे ये बताएंगे। फसाने आजाद जो है किसकी तसनीफ है, तो आपको मालूम होना चाहिए रतननाथ सरसार। रतननाथ सरसार की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली बात नोट कर लेंगे, इसकी इशात जो अमल में आई है 1880 ईस्वी में, ये बात याद रखेंगे। रतननाथ सरसार की जो पैदाइश हुई 1847 ईस्वी में, याद रखिएगा लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने कुदरत का कानून इफ्जाए से नस्ल, बहुत अहम क्वेश्चन है। ये जुमला जेल में से किस नॉवल से माखूज है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है गोदान, दूसरे में उमराव जान अदा, तीसरे ऑप्शन में देखिए टेढ़ी लकीर है और चौथे ऑप्शन में एक चादर मैली सी। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। नोट कर लीजिएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा एक चादर मैली सी। याद रखेंगे एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का नावल, अभी मैंने आपको बताया 1960 में रिसाला नकुश में दो किस्सों में शाये हुआ। तो पहली बात याद रखेंगे ये जो है कब शाये हुआ है, 1960 में रिसाला नकुश में दो किस्सों में। किताबी शक्ल में पहली बार कब शाये हुआ, तो याद रखिएगा 1962 ईस्वी में, किताबी शक्ल में 1962 ईस्वी में शाये हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे शायर और अदीब शायरी और नस निगारी को महज एक शीरी दीवान की एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत न समझे, उसके समाजी और इज्तिमाई पहलू पर नजर रखें। शायर और अदीब के लिए यह तलकीन किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद की है, मोहम्मद हसन की है, एहतशाम हुसैन की है या फिर आला अहमद सुरूर की है? तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहजादा मुइजुद्दीन और खुर्शीद ताजबख्श किस दास्तान के किरदार हैं? पहले ऑप्शन देखिए फसाने अजायब हैं, दूसरे में रानी कैतकी की कहानी है, तीसरे में बाग बहार है और चौथे ऑप्शन में बोस्तान ख्याल है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अहम सवाल है। तो नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए मीर मोहम्मद तकी ख्याल की है। फसाने अजायब किसकी दास्तान है, तो रजब अली बेगसरू की है। रानी कैद की कहानी इंशाउल्लाह खान शाह की। बागो बहार मीर अमन दहलवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? पहले ऑप्शन में आपके सामने देखिए मोरपंखी है, दूसरे में फुटपाथ के शहजादे हैं, तीसरे ऑप्शन में पैसा और परछाई है और चौथे ऑप्शन में आफ्ताब मोहब्बत है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी आफ्ताब मोहब्बत। याद रखेंगे मोरपंखी, फुटपाथ के शहजादे, पैसा और परछाई, ये तीनों ही ड्रामे किसके हैं, तो ये तीनों ड्रामे मोहम्मद हसन के हैं। तो फिर ये बताइए आफ्ताब मोहब्बत जो है ये किसका ड्रामा है, तो नोट कर लीजिएगा आगा हश काश्मीरी, जरूर याद रखेंगे आगा हश काश्मीरी का ये पहला ड्रामा है, ये पहला ड्रामा है, जरूर जहन में आप रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबू धनीराम किस अफसाने का किरदार है? पहले ऑप्शन में देखिए जिंदगी के मोड़ पर, दूसरे में अपने दुख मुझे दे दो, तीसरे में बाबू गोपीनाथ और चौथे ऑप्शन में है मालकिन। तो आप मुझे जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अपने दुख मुझे दे दो, जरूर याद रखेंगे सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आप मुझे बताएंगे जिंदगी के मोड़ पर ये अफसाना किसका है, आपको मालूम होना चाहिए बाबू गोपीनाथ ये अफसाना किसका है, इसी के साथ साथ में मालकिन अफसाना किसका है। तो एक एक करके सभी को नोट करते हैं, जिंदगी के मोड़ पर ये अफसाना किसका है, तो नोट कर लीजिएगा कृष्णचंद्र का,
किसका है? कृष्ण चंद्र का। बाबू गोपीनाथ ये किसका है? तो इसे भी नोट कीजिएगा, बाबू गोपीनाथ ये है मंटू का। किसका है नोट कर लीजिएगा, मंटू का। मालकिन किसका है? तो मालकिन भी आप नोट कर लीजिएगा, प्रेमचंद। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का, जरूर आप जहन में रखेंगे। अपने दुख मुझे दे दो ये किसका अफसाना है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, राजन सिंह बेदी का अफसाना है। चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजन सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? पहले ऑप्शन में आपके सामने मजरूह सुल्तानपुरी, दूसरे में फिराक गोरखपुरी, तीसरे में है जिगर मुरादाबादी और चौथे ऑप्शन में फैज अहमद फैज। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अहम सवाल है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मसूद हुसैन खां को किस किताब पर पीएचडी की डिग्री दी गई? मसूद हुसैन खां को किस किताब पर पीएचडी की डिग्री दी गई? पहले ऑप्शन में आपके सामने उर्दू कलमिया, दूसरे में उर्दू जुबान व अदब, तीसरे में शेर व जुबान और चौथे ऑप्शन में मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। मसूद हुसैन खां के बारे में आप मुझे ये बताएंगे, सबसे पहली चीज कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी खुदनविश्त का उन्वान क्या है, खुदनविश्त यानी ऑटोबायोग्राफी। तो नोट कीजिएगा, 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो खुदनविश्त है वो है वरूद मसूद, इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में देखिए मखदूम मुहियुद्दीन है, दूसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद है, तीसरे में ब्रिज नाइन चकबस्त है और चौथे ऑप्शन में सुरूर जहां आबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। तो सबसे पहली बात ये बताइए, पंडित ब्रिज नाइन चकबस्त की सने विलादत क्या है और इसी के साथ साथ में सने वफात क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। जरूर याद रखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। आप सब ने अनारकली ड्रामा का नाम सुना होगा, उसके मुसन्निफ कौन? इम्तियाज अली ताश। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इम्तियाज अली ताश की मौत कैसे वाकई हुई, तो आप सबको मालूम होना चाहिए इम्तियाज अली ताज की जो पैदाइश 1900 ईस्वी में हुई है लाहौर में और 1970 ईस्वी में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। तो उसमें ऑप्शन था कत्ल की वजह से या ठीक है नेचुरल डेथ हुई आपकी या और बहुत सारे ऑप्शन थे, उनमें एक ऑप्शन था कत्ल करने की वजह से। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुदरतुल्ला कासिम की तालीफ मजमू नफ्ज को किस मुहक्किक ने मुरतब किया? पहले ऑप्शन में देखिए मुहियुद्दीन कादरी जोर है, दूसरे में इम्तियाज अली खार ओशी है, तीसरे में हाफिज महमूद शिरानी है और चौथे ऑप्शन में काजी अब्दुल वदूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। बहुत अहम नाम है, जरूर याद रखेंगे, हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी की कई किताबें अहम है, जैसे किताब का नाम है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू बहुत अहम तसनीफ एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। इसी के साथ साथ में तनकीद शेरुल अजम, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब होगा हाफिज महमूद शिरानी। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए शेरुल अजम, शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में आपके सामने फैज अहमद फैज है, दूसरे में मखदूम मुहियुद्दीन है, तीसरे में अली सरदार जाफरी है और चौथे ऑप्शन में नून मीम राशिद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी की सन विलादत और सन वफात के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा, 1913 ईस्वी में बलरामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है परवाज। क्या नाम है? परवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, आशिक खोर दिल सख्त यूं तो अजब तमाशे का है वक्त,
आशिक का दिल नरम उछना, आशिक का आशिक पर करम उछना, अगर आशिक ना पछाने तोबा तो बेगाना बेदर्द बेचारा क्या जाने। ये इबारत किस किताब से माखूज है? पहले ऑप्शन में देखिए सबरस से, दूसरे में रानी कैद की कहानी है, तीसरे में फसाने अजायब है और चौथे ऑप्शन में बागो बहार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सबरस। सबरस याद रखेंगे बहुत अहम तसनीफ है। सबसे पहले चीज याद रखेंगे सबरस एक तमसीली दास्तान है, याद रखिएगा। सबरस जो है कब लिखी गई है और इसी के साथ साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। तो पहली बात नोट कर लीजिएगा, 1635 ईस्वी में ये दास्तान लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो जवाब नोट कीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? अब्दुल्ला कुतुब शाह की। और याद रखेंगे मुल्ला वजी की एक शाहकार ये दास्तान है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में से किसने अरस्तु की किताब पोएटिक्स का उर्दू तर्जमा किया है? पहले ऑप्शन में देखिए नाम है मोहम्मद हसन, दूसरे में शम्सुर रहमान फारूकी, तीसरे में एहतशाम हुसैन और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शम्सुर रहमान फारूकी। शम्सुर रहमान फारूकी की किताब का नाम है, बहुत अहम है, इसे भी याद रखेंगे, शेरियात के नाम। शेरियात के नाम से जरूर याद रखेंगे, अहम किताब। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई बाकायदा प्लॉट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता तो वह खोजी ना होता जो आज हमें मिला है, वह इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है, यह बयान किस नाकिद का है? पहले ऑप्शन में अगर आपके सामने देखिए तो मोहम्मद हसन है, दूसरे में आल अहमद सरूर है, तीसरे में शम्सुर रहमान फारूकी हैं और चौथे ऑप्शन में एहतशाम हुसैन है। तो आप मुझे जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अहम सवाल है। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। तो पहली चीज तो ये बता दीजिए सैयद एहतशाम हुसैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आप सबको मालूम हो। इसी के साथ साथ में आपका सफरनामा कौन सा है? तो चलिए नोट कर लेते हैं, एहतशाम हुसैन की जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके सफरनामे का उनवान क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, साहिल और समंदर। साहिल और समंदर आपका सफरनामा है, याद रखेंगे। आप मुझे जवाब दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करता हूँ। मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? जापान चलो जापान चलो, जापान चलो जापान चलो, ये किसका सफरनामा है, ये भी अहम है। सफरनामा रोम और मिस्र शाम, ये किसका सफरनामा है? जरूर जवाब देंगे, बहुत अहम है। इसी के साथ साथ में इब्न बतूता के ताकुब में, इब्न बतूता के ताकुब में ये किसका सफरनामा है? देखिए ये सभी चीजें आपके निसाब में शामिल है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि सफरनामे किसके हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ है? पहले ऑप्शन में आपके सामने नजीर अहमद है, दूसरे में मौलाना खाली है, तीसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद हैं और चौथे में अल्लामा शिबली नौमानी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। नोट कर लीजिएगा अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी कि 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं जिनमें याद रखेंगे अलमामून, अलफारूक, अलगजाली, सीरतुन्नमी, सीरतुन्नबी, सीरतुन्नौमान, इसी के साथ साथ में शेरुल अजम और मुआज़ने अनीसो दबीर, बहुत अहम किताबें हैं। शेरुल अजम और मुआज़ने अनीसो दबीर बहुत अहम है, ज़रूर याद रखेंगे। उर्दू में तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो जवाब है अल्लामा शिबली नौमानी। चलिए अब हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काशिफुल हकायक किसकी किताब है, किसकी तसनीफ है? पहले ऑप्शन में देखिए शिबली नौमानी है, दूसरे में खाली है, तीसरे में इमदाद इमाम असर है और चौथे ऑप्शन में इब्ने कुतैबा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर। अब मैं कुछ किताबों के नाम आपसे पूछ रहा हूँ और आप बताएंगे उनके मुसन्निफीन के नाम आप मुझे बताएंगे। चलिए तो पहली किताब का नाम आप नोट कीजिएगा, बहुत अहम तसनीफात हैं, कहीं ना कहीं ये सभी एग्जाम में पूछी भी गई हैं और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बताएंगे चहार मकाला।
चार मकाला किसकी किताब है, जरूर जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे काबूसनामा, काबूसनामा किसकी तसनीफ है। काबूसनामा के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे हदाइक़ुस्सिहर फी दकाइक़िश्शिर, ये किसकी किताब है इसे बताइएगा। इसी के साथ साथ में अलउम्दा किसकी तसनीफ है, अलउम्दा के साथ साथ में अदबुल कातिब किसकी तसनीफ है। इसी के साथ साथ में नक़्दुश्शिर, नक़्दुश्शिर किसकी तसनीफ। बहुत अहम किताबें हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं। तो चलिए एक एक करके नोट करते हैं। चहार मकाला किसकी किताब है, तो जवाब हो जाएगा निज़ामे औरूज़ी, नोट कर लीजिएगा। काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है, तो इसे भी नोट कीजिएगा, उनसुरुल माली। हदाइक़ुस्सिहर फी दकाइक़ शेर के मुसन्निफ कौन है, रशीदुद्दीन वतवात। अलउम्दा किसकी तसनीफ है, तो नोट कर लीजिएगा इब्ने रशीक। अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा इब्ने कुतैबा। नक़्दुश्शिर किसकी किताब है, तो नोट कर लीजिएगा कुदामा इब्ने जाफर, कुदामा इब्ने जाफर। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, ऐसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक नए मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।